चक्रवाती तूफान मेंडोज अब खतरनाक रूप लेता नजर आ रहा है और कई राज्यों पर इसका असर दिखाई देने लगा है। इसी के मद्देनजर तमिलनाडु के 3 जिलों में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अलर्ट पर रहने वाले जिलों में चेंगलपट्टू, विल्लुपुरम और कांचीपुरम शामिल है। इसके अलावा पूर्वोत्तर मानसून के सभी 5 उपमंडलों में आने वाले दिनों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली एजेंसी के मुताबिक ये बंगाल की खाड़ी में बन रहे सिस्टम के कारण है जो तेजी से तीव्र होता गया है और एक चक्रवाती तूफान मेंडोज बन गया है। बारिश तमिलनाडु के सभी 5 उपमंडलों और आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों को प्रभावित करेगी, जिसमें पुडुचेरी और कराईकल, तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल और रायल सीमा शामिल है। वहीं ये सिस्टम आज तट के करीब जा पहुंचा है। मौसम विभाग के मुताबिक आज इसके कमजोर पड़ने की संभावना है। हालांकि इससे पहले तूफान उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा और फिर महाबलीपुरम में लैंड करेगा। तूफान के चलते तमिलनाडु सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF और SDRF के 400 कर्मियों वाली 12 टीमों को तैनात किया गया है। मछुआरों को भी समुद्र में न जाने और अपनी रेस्क्यू नौकाओं के साथ तैयार रहने को कहा गया है।